मुक्तदी पीछे होता है। इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो सब जो अपने फराइज़े मनसबी को बेहतर तौर पर अदा करने के लिए जरूरी था। और यकीनन ये सब मैं सिर्फ किताबें पढ़कर तो नहीं सीख सकता था। जिस जगह पड़ाव किया वहां लुटेरे मिले, सामान लूट लिया, तकरूरी का फरमान भी, कलमदान भी, हत्ता के दवात भी। हाँ, लेकिन सच्चाई की राह से भटका वह चोर भला दवात का क्या करेगा? बुजुर्गवार, इस मामले में यही तो लतीफा है, चोरी भी बेमकसद और बदनामी अलग से हुई। अब मैं दरगाह का दरवेश तो हूं नहीं, ना ही आप जैसी सोच रखता हूं कि उसे मासूम समझूं। जालिम है वो। भला ये कौन जाने कि कौन मासूम और कौन जालिम। अगर तुम हक की तलाश में हो तो रास्ता वही है जो खुदा की तरफ जाता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि सब उस राह पर आ जाएं जो सच और हक की राह है। उन्हें खुली छुट्टी दे दे, मासूम लोग इसी तरह लूटते रहेंगे तो कैसे फैलेगा हक, बताएं मुझे। मैं तुम्हें रे शहर के दिलों के सुल्तान इब्राहिम अधम की दास्तान सुनाता हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चलें, सुन ही लेते हैं फिर मोहतरम। हजरत सुल्तान इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक नेक दिल हुक्मरान थे। हालांकि तख्त ताज तर्क नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उस हालत में भी एक ही तलाश थी उनकी, एक ही दुआ करते हैं, परवरदिगार मेरे दिल को हक की रोशनी से मुनव्वर कर दे। मगर इस तलाश में नाकाम हो गए वो। एक रात अपने महल में सो रहे थे, आंखें सो रही थीं, मगर दिल बेदार था। महल की छत पर कदमों की आवाज सुनी उन्होंने, और फिर जैसे महल में दर्जनों लोगों के इधर उधर चलने फिरने का शोर सुनाई दिया। सुल्तान इब्राहिम अदहम सजदर रह गए। उनमें अपने मुहाफिजों को आवाज देने की ताकत भी न रही। बस दिल में ख्याल आया, ये कौन लोग हैं जो मेरे महल की छत पर दौड़ रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक शख्स खिड़की से लटका हुआ है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? उस शख्स ने जवाब दिया कि हम लोग फुला फुला इलाके के बाशिंदे हैं। उन्होंने पूछा, तुम लोग मेरे महल की छत पर क्या तलाश कर रहे हो? तब खिड़की से लटके शख्स ने जवाब दिया, मवेशियों को ढूंढ रहे हैं हम। इब्राहिम अदहम हैरान रह गए, दीवाने हो गए हो क्या? मवेशी छत पर कैसे मिलेंगे? उस आदमी ने जवाब दिया कि दीवाने तो तुम हो, हक की तलाश वो भी सोने के तख्त पर बैठकर कर रहे हो। दीवाने तो तुम हुए जो तुम हमें अपने महल की छत पर मवेशी तलाश करता देखकर दीवाना कह रहे हो। अदम, खूब कहानी सुनाई आपने। याद रखो फर्जंद, एक दिलचस्प हिकायत तालिबे हक का दिल बदलने के लिए काफी होती है। आग बुझा कर क्या हमें भेड़ियों की खुराक बनाना चाहते हैं? भेड़ियों से बचने की फिक्र में अगर ये हजार साल पुराना दरख्त जल गया तो क्या होगा फरजंद?